हे गाइस, मेरा नाम है वीरेन सिंह। आप जुड़े हुए ई लर्नम फॉर्मेडली नोन एज स्मार्ट लर्निंग एकेडमी के साथ। यहाँ पे हम क्रैश कोर्स लेके चल रहे हैं आप लोगों के साथ ICMR JRF के लिए। तो आप लोग होप इंजॉय कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे, मज़ा भी आ रहा होगा। सो दीज आर द केसेस। इसके अलावा सम म्यूटेशंस आर देयर। म्यूटेशंस में अलग अलग म्यूटेशंस, जैसे ट्रांजिशन जो होते हैं, ट्रांजिशन में होता है प्यूरिन रिप्लेसेस बाय द प्यूरिन एंड पिरिमिडिन बाय द पिरिमिडिन। ट्रांसवर्जन में प्यूरिन और पिरिमिडिन एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं और पिरिमिडिन रिप्लेसेस प्यूरिन। इंसर्शन और डिलीशन में एडिशन कर देते तो इंसर्शन हो गया, डिलीशन कर देते तो डिलीशन हो गया। इंसर्शन और डिलीशन जो कि रीडिंग ऑफ फ्रेम को चेंज कर देते फ्रेम शिफ्ट हो गया। इन फ्रेम हो सकते हैं और एक्सपेंडिंग हो सकते हैं। डायरेक्शन फॉरवर्ड या रिवर्स भी हो सकता है। मिससेंस म्यूटेशन में ऑब्वियस ही बात है कि मिससेंस में क्या हो जाएगा कि डिफरेंट रिजल्टिंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड आ जाएगा। नॉनसेंस में जो होता है स्टॉप कोडॉन आ जाते हैं। इन द केस ऑफ साइलेंट म्यूटेशन नॉन आपके सिनोनिमस कोडॉन्स होते हैं, मतलब अनचेंज्ड जो होते हैं लिविंग अनचेंज्ड अमीनो एसिड। न्यूट्रल म्यूटेशन में जो होते हैं इट्स फंक्शंस को अल्टर नहीं कर रहे होते हैं। लॉस ऑफ फंक्शन में फंक्शन लॉस हो जाएगा, गेन ऑफ फंक्शन में गेन कर लेगा फंक्शंस को, लीथल में डेथ कॉज कर देगा। सो दीज आर द म्यूटेशंस। साइलेंट में देखिएगा कोई भी नो चेंज इन द प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन में चेंज नहीं होता है साइलेंट म्यूटेशन। इन द न्यूट्रल म्यूटेशन नेचर डज नॉट चेंज। अमीनो एसिड चेंज जरूर होगा, सेम अमीनो एसिड होगा। यहां पे जैसे हिस्टिडीन था तो आर्जिनिन हुआ, लेकिन दोनों बेसिक थे इसलिए कोई भी नेचर में चेंज नहीं हुआ। मिससेंस में क्या हो जाता है कि डिफरेंट नेचर का डिफरेंट अमीनो एसिड आ जाता है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामेट वैलिन से हो जा रहा था, जैसे हिस्टिडीन बेसिक था तो एस्पार्टेट चेंज हो गया। तो ये अलग अलग केसेस। नॉनसेंस में क्या होता है स्टॉप कोडॉन, पहले हिस्टिडीन था अब वो स्टॉप कोडॉन की तरह काम करने लगा। म्यूटेशंस जो होते हैं स्पॉन्टेनियस इंड्यूस दोनों हो सकते हैं। स्पॉन्टेनियस होगा तो रिप्लिकेशनल एरर्स या स्पॉन्टेनियस लेजंस हो सकते हैं। रिप्लिकेशन एरर में ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन या फ्रेम शिफ्ट हो जाए, इंसर्शन डिलीशन, इंड्यूस में म्यूटाजेंस आ जाते हैं। स्पॉन्टेनियस लेजंस में डी एमिनेशन, डी प्यूरिनेशन, डी पिरिमिडेशन हो सकते हैं। डी एमिनेशन एडिनिन गुआनिन साइटोसिन 5-मिथाइल साइटोसिन। एडिनिन का करोगे तो हाइपोजेंथिन बनेगा, गुआनिन का करोगे तो जैंथिन बनेगा, साइटोसिन का करोगे तो यूरेसिल बनेगा, 5-मिथाइल साइटोसिन करोगे तो थायमिन बन जाएगा। म्यूटाजेंस के केसेस में अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा म्यूटाजेंस में फिजिकल म्यूटाजन आयनाइजिंग रेडिएशंस एक्सरे को करेगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि एक्सरे जिस लाइक आयनाइजिंग रेडिएशन एक्सरे होता है क्रोमोजोम ब्रेक करेगा। नॉन आयनाइजेशन में यूवी रेडिएशन थायमिन ब्रेक करेगा। बेस एनालॉग में जो होते हैं ATGC ट्रांजिशन करते हैं। बेस मॉडिफायर्स में MMS जो होता है GCAT और हाइड्रोक्सिलामिन GCT करते हैं। बाकी EMS HNO2 जो होते हैं वो आपके ATGC ट्रांजिशन करते हैं। इंटरकलेक्टिंग एजेंट जितने भी होते हैं जैसे डाइज होते हैं ATBR एक्रेडिन ऑरेंज प्रोफ्लेविन, ये सारे फ्रोम शिफ्ट डिलीशन करते हैं। तो जितने भी बेस एनालॉग और बेस मॉडिफायर्स की अगर बात करें तो वो ट्रांजिशन करते हैं या तो ATGC या तो GCAT करेंगे एंड इंटरकलेक्टिंग फ्रेम शिफ्ट डिलीशंस करेंगे और ये सारे के सारे आयनाइजिंग वाले ब्रेक करेंगे या डाइमर फॉर्मेशंस करने की कोशिश करते हैं। सम ऑफ द रिपेयर सिस्टम, जहाँ पे अगर रिपेयर डाइमर को रिपेयर करने के लिए DTNA फोटोलाइज यूज हो सकता है, अल्काइलेटेड के लिए अल्काइल ट्रांसफरेजेस यूज हो सकते हैं। इनडायरेक्ट रिपेयर सिस्टम में क्या होते हैं कि ऑक्सीजन रिपेयर है, ऑक्सीजन में बेस ऑक्सीजन 1-2 न्यूक्लियोटाइड तोड़ा जा सकता है। ऑक्सीजन में न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर जिसमें 3-8 न्यूक्लियोटाइड तोड़ते हैं। मिसमैच रिपेयर में म्यूट प्रोटीन इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर्स में आपके रिकॉम्बिनेशनल मैकेनिज्म्स को यूज कर सकते हैं, जैसे नॉन होमोलोगस इन जॉइनिंग या डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर। इसके अलावा ट्रांसपोजोन्स कैन बी देयर लाइक क्लास 1 क्लास 2। क्लास 1 जो होते हैं आपके रेट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं, मतलब ये आपके RNA इंटरमीडिएट से जाते हैं। ये क्या होते हैं थ्रू RNA इंटरमीडिएट कॉपी एंड पेस्ट पे जाएगा। कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म के ऊपर का बात करेगा, RNA इंटरमीडिएट बनेगा, नॉट RNA इंटरमीडिएट बनता है भैया, RNA होता नहीं, दिस इज RNA इंटरमीडिएट। क्लास 2 जो होते हैं ये कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म से जाते हैं। कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म से नो इंक्रीज इन नंबर, इन नंबर जो होता है इनका नहीं बढ़ता है, नो इंक्रीज इन नंबर। जबकि इन दिस केस क्या होता है कि इंक्रीजेस इन नंबर, नंबर जो हो जाता है बढ़ जाता है। तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स रेट्रो ट्रांसपोजोन्स जो कि कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म यूकेरियोट वायरसेस में पाया जाता है। यूकेरियोट में लाइन में L1 साइन में ऑलू एलिमेंट नॉन ऑटोनोमस इज देयर। HIV वायरसेस जो होते हैं आर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेजेस RNH एक ही एंजाइम तीनों प्रॉपर्टी को कैरी करते हुए वायरसेस लेके जाता है और ये क्या करता है कि आपके
रिवर्स आरएनए रिट्रो ट्रांसपोजोंस को तरीके से काम करता है। क्लास टू प्रोकैरियोट में पाया जाने वाला इंसर्शनल एलिमेंट कंजर्वेटिव कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। यूकैरियोट में एसीडीएस मेज में पाया जाता है। एसी ऑटोनोमस होता है, डीसी नॉन ऑटोनोमस होता है। ऑटोनोमस का मतलब खुद मूव कर जाएगा, सेल्फ मूवेबल जिसको हम बोलते हैं सेल्फ मूवेबल। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को हम बोलते हैं मॉलिकुलर पैरासाइट, इसको बोलते हैं मॉलिकुलर पैरासाइट, या इसको बोलते हैं जंपिंग जीन। बहुत सारा नाम देते हैं जो कि आपका जंपिंग जीन हो जाता है, मॉलिकुलर पैरासाइट्स हो जाते हैं, ट्रांसपोजेबल मोबाइल एलिमेंट भी बोलते हैं, विच इज़ लाइक मोबाइल एलिमेंट हो जाता है। सो दीज आर द केसेस इन दिस पर्टिकुलर लाइक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। यूकैरियोट में जैसा एसीडीएस और पी एलिमेंट बताया, पी एलिमेंट ड्रोसोफिला में जो कि हाइब्रिड डिसजेनेसिस के लिए पी एलिमेंट जो होते हैं स्ट्रेन वी पापा मम्मी का केस है। पी का मतलब मेल, एम का मतलब मम्मी, ये क्या करेंगे हाइब्रिड डिसजेनेसिस, ये क्या करेंगे हाइब्रिड डिसजेनेसिस मतलब स्टराइल हो जाएगा आपका, ठीक है, स्टराइल प्रोजेनी मिलेगी अगर पी स्ट्रेन पापा हो गया और एम स्ट्रेन मम्मी हो गई। तो वायरस में जीनोम इंटीग्रेटेड या नॉन इंटीग्रेटेड हो गए, इंटीग्रेटेड होगा तो म्यू फॉज है, नॉन इंटीग्रेटेड हो जाएगा तो लेमडा फॉज हो गया, इंटीग्रेटेड पी1 फॉज में इस तरीके से चीजें चलना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेजेस के ऊपर जब हम बात करते हैं तो देयर सम प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेजेस इज देयर जहां पे अल्फा बीटा बीटा प्राइम ओमेगा सिग्मा होते हैं। अल्फा फॉर असेंबली, बीटा एंड बीटा प्राइम फॉर द कैटालिटिक यूनिट, ओमेगा फॉर स्टेबलाइजेशन, सिग्मा फॉर द प्रमोटर रिकॉग्निशन। जो सिग्मा 70 होता है ये प्रमोटर रिकॉग्निशन के लिए पाया जाता है। बाकी अगर हम आरएनए पॉलीमरेजेस प्रोकैरियोट्स के बजाय यूकैरियोट में बात करें तो पहला जो होता है वो आपके राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करता है, ऑल राइबोसोमल आरएनए एक्सेप्ट 5S, ये जो होते हैं ऑल राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज किया एक्सेप्ट 5S। 5S राइबोसोमल आरएनए जो सिंथेसाइज होता है वो कहाँ होता है, वो यहाँ पे होता है, किसमें, थर्ड वाले में। इसके बाद दिस इज लाइक ये जो होते हैं आरएनए पॉलीमरेज सेट एम एसएनआरएनए लाइन एमआईआरएनए और एसआईआरएनए, इन सबको सिंथेसाइज करता है आरएनए पॉलीमरेज। सेकंड एंड थर्ड जो होता है टीआरएनए 5S आरएनए U6 SNRNA, यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द SNRNA में S6 वाला यहाँ होता है, बाकी सब होते हैं ऑल एक्सेप्ट U6। यहाँ पे जो होता है जैसे यहाँ पे 5S एक्सेप्ट था, यहाँ पे U6 होता है, वो होता है आपके थर्ड से। सो दिस इज समथिंग कोड के तरीके से याद रख सकते हो, दैट रमता जोगी याद रखो RMT इज देयर जो कि 1, 2, 3 राइबोसोमल आरएनए फॉर द फर्स्ट वन, मैसेंजर फॉर सेकंड एंड ट्रांसफर फॉर द थर्ड वन। ये चीज़ आपका याद रहेगा, कभी भी कंफ्यूज नहीं करोगे। अगर आपके प्रोसेसेस के ऊपर बात करते हैं तो दिस इज़ वेरी सिंपल। प्रोकैरियोट आपके पॉलीसिस्टोनिक होते हैं, मोनोकैरियोट यूकैरियोट मोनोसिस्टोनिक होते हैं। प्रमोटर टाटा बॉक्स प्रिबनाउ बॉक्स होता है -10 पे, यहाँ पे जो जाता है हॉगनेस बॉक्स -30 पे। प्राइमरी जो होता है कोर प्रमोटर जो पाया जाता है यहाँ पे टाटा बॉक्स होता है, टाटा प्रिबनाउ बॉक्स होता है प्रोकैरियोट में। यूकैरियोट में जो हो जाता है वो आपके टाटा बॉक्स होते हैं जो -30 पे, सबसे नज़दीक वाला। इसके अलावा प्रमोटर रिकॉग्निशन σ70 से होता है, जबकि यूकैरियोट में TBP TEF या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर σD से पाया जाता है। इनिशिएटर के ऊपर जब हम बात करते हैं तो होलोजाइम इन्वॉल्व हो जाता है, यानी सिग्मा फैक्टर प्लस आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन के लिए इन्वॉल्व हो जाएंगे। इनिशिएट करने के बाद क्या हो जाएगा, लाइक यहां पे सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज द प्रमोटर बाइनरी कॉम्प्लेक्स, इंक्रीज द अफिनिटी ऑफ कोर एंजाइम, अफिनिटी को बढ़ाया, टर्निंग कॉम्प्लेक्स, एबॉर्टिव इनिशिएशन, और इस तरीके से इनिशिएशन हो जाता है इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट। यूकैरियोट में क्या होता है, टीबीपी बाइंड करेगा टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, बाइंड्स विद द टाटा बॉक्स, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी आया, ए आया, बी आया, एफ के साथ आरएनए पॉलीमरेज 2 आएगा, फिर ई आया, फिर एच आएगा, एच फॉस्फोराइड द सीटीडी साइट सी टर्मिनल डोमेन ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज, प्रमोटर क्लियरेंस होगा एंड दिस टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड एबॉर्टिव इनिशिएशन। दीज आर द केसेस इन द यूकैरियोट, यूकैरियोट में ये केस हो जाता है। इलोंगेशंस के केसेस में जब हम बात करते हैं तो दीज आर द केसेस इन इलोंगेशंस। इलोंगेशंस के केसेस में क्या होता है, कोर एंजाइम ओनली देयर, कोर एंजाइम जो होता है किस में पाया जाता है, सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाएगा, सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाएगा, गायरेज ए बी पाए जाएंगे सुपर कॉलिंग के लिए, टोपोइसोमरेज 1 फॉर पॉजिटिव, सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है यहाँ पे। इन द केस ऑफ यूकैरियोट टोपोइसोमरेज 1 और 2 होता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होते हैं कई कुछ एक्टिवेटर्स को यूज करते हैं जो कि कैट बॉक्स पे बाइंड करते हैं और इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। टर्मिनेशन कैन बी रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट। रो डिपेंडेंट रो प्रोटीन होता है, 5 ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड, डायरेक्शन इसका 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है ऑफ द एमआरएनए, एमआरएनए से बाइंड करता है। रो डिपेंडेंट में हेयर पिन लूप
रूप बनता है, स्टॉप द मूवमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस, जिसकी वजह से ये जो होता है ट्रांसमिट हो जाता है। इन द यूकैरियोट रैट प्रोटीन विच इज इंडो न्यूक्लियस कट द थ्री प्राइम एंड प्रीमैच्योर टर्मिनेशन, दैट्स वाई एक्चुअल टर्मिनेशन जो होता है आइडेंटिफाई नहीं हो पाता यूकैरियोट्स में। अगर इंट्रॉन्स के ऊपर बात करते हैं तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट इंट्रॉन्स, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट में इंट्रॉन्स आपके आरकियल में आरकिया पाया जाता है, ग्रुप वन इंट्रॉन, ग्रुप टू इंट्रॉन्स पाया जाता है। यूकैरियोट में न्यूक्लियर इंट्रॉन्स, एमआरएनए में जो इंट्रॉन पाया जाता है जीयूएजी, स्प्लाइसोसोम मीडिएटेड होता है, इसको हटाने के लिए आपके 25-33 टू प्राइम ओएच ऑफ द ब्रांच पॉइंट अटैक द फाइव प्राइम स्प्लाइस साइट एंड आफ्टर दैट थ्री प्राइम ओएच विल बी फ्री, ये अटैक करेगा थ्री प्राइम स्प्लाइस साइट, दो ट्रांसएस्टरीफिकेशन रिएक्शन हो जाएंगे, हो गया लैरियट स्ट्रक्चर बन जाता है। यहां पे आपके न्यूक्लियर जीन में आरआरएनए में ग्रुप वन, ग्रुप टू में, ग्रुप वन में 35-33 थ्री प्राइम ओएच फॉर द एक्सटर्नल जीटीपी अटैक्स ऑन द फाइव प्राइम स्प्लाइस साइट, देन थ्री प्राइम ओएच विल बी फ्री, दिस विल अटैक ऑन द थ्री प्राइम स्प्लाइस साइट 35-33। ग्रुप टू इंट्रॉन 25-33 के ऊपर जब हम बात करते हैं, टू प्राइम ओएच ऑफ द ब्रांच पॉइंट अटैक्स ऑन द फाइव प्राइम स्प्लाइस साइट एंड दिस इज लाइक, ये जो है थ्री प्राइम ओएच फ्री होगा और थ्री प्राइम स्प्लाइस साइट पे अटैक करेगा। यहां पे जो हो जाता है ग्रुप टू इंट्रॉन्स इज वेरी सिमिलर टू द एमआरएनए इंट्रॉन्स विद द मैकेनिज्म 25-33 का कोड यूज होता है, लेकिन स्प्लाइसोसोम मीडिएटेड नहीं होते, ये दोनों स्प्लाइसोसोम नॉन मीडिएटेड होते हैं, इसी वजह से ये आपका एमआरएनए में स्प्लाइसोसोम यूज हो जाता है। ऑर्गेनल जींस में ट्विनट्रॉन ग्रुप 1 2 3 ये सारे के सारे पाए जाते हैं, स्प्लाइसोसोम मीडिएटेड इन सारी चीजों में हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसलेशंस। When you see the translation, translation में prokaryote में आपके 70S पाए जाते हैं ribosome, in the eukaryote 80S या 55S या 70S ये भी पाए जाते हैं, in the organelles ones. Eukaryote में जो होते हैं like 55S in the mitochondria and this 70S in the chloroplast, ये अलग अलग पाए जाते हैं। Overlapping with the transcription in the prokaryote, yes, in the eukaryote this is no because processing of the RNA is required. क्यों? क्योंकि because यहाँ पे जो होता है because processing of RNA is required, because processing of RNA is required. Processing of RNA जो होता है वो आपका required हो जाता है। Starting amino acid is formulated methionine and in the eukaryote is methionine. Recognition is done by the synal guano. In the eukaryote scanning mechanism Kozak sequences. Peptidyl transferase activity 23S RNA and eukaryotes में 20S RNA. Initiation factor 1 जो होता है ensures the binding site एट द पी फर्स्ट एंड उसके बाद 2 जो होता है ये जीटीपी और टीआरएनए से बाइंड करता है, 3 इंश्योर करता है पहले 30 यूनिट बाइंड करें। इन द केस ऑफ यूकैरियोट 1A 1B इंश्योर द बाइंडिंग एट द पी साइट, इनिशिएट पी साइट पे बाइंड करेंगे, 2A जो होता है जीटीपी से बाइंड करता है, 2B फर्स्ट बाइंड द 40S NEIF3 से बाइंड करेगा, 2 जो होता है मिलकर टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनाता है, 4 के पास हेलिकेज एक्टिविटी 4A कैप बाइंडिंग एक्टिविटी जो कि 5 प्राइम कैप से बाइंड करेगा, ये पाया जाता है, दिस इज लाइक हियर 5 प्राइम कैपिंग से बाइंड करता है 4E, 4B जो होता है स्कैनिंग होता है, क्या करता है AUG कोडॉन को खोजता है कोजैक सीक्वेंसेस के साथ साथ लिंकर जो होता है 4G जो सबको लिंक करके बेंड कराता है, EF5B में 5B जो होता है 60S सब यूनिट को लेकर आने काम करता है, दिस आपके एसोसिएशन करते हैं। इसके अलावा प्रोसेसेस में इलोंगेशन आ गया, इलोंगेशन में बहुत सिमिलर होता है, TU फॉर द लोडिंग, नए वाले को लोडिंग करेगा कहाँ पे, ए साइट पे करेगा, ए साइट पे लोडिंग करता है, इसके साथ साथ फिर हो जाता है ETS रीजनरेशन ऑफ TU, EG ट्रांसलोकेशन ऑफ द पेप्टाइड फ्रॉम ए टू पी साइट, ए से पी साइट, क्योंकि जो भी राइबोसोम्स होते हैं वहाँ पे जब आपको पता है कि EPA ए से पी इस पे ट्रांसलोकेट कराने के लिए जी चाहिए होता है, नए वाले को ले आने के लिए यहाँ पे TU चाहिए होता है, इसको कराने के लिए यहाँ पे जी चाहिए होता है, दिस इज द केस इन दिस पर्टिकुलर इलोंगेशन वन। 23S जो होता है बीच में क्या करेगा, यहाँ पे पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी का काम करेगा, एग्जैक्टली इन द केस ऑफ यूकैरियोट बस नाम अलग हो जाता है, स्मॉल EF1A एज अ TU लोडिंग ऑफ दैट चार्ज tRNA, दैट EIF-B सेम एज द TS रीजनरेशन, वी ने सी दिस इज रीजनरेशन करेगा, यहाँ पे रीजनरेशन करेगा, एंड EF2 सेम एज द EGG ट्रांसलोकेशन 28S पेप्टाइडल ट्रांसफरेज 1, ये जो होता है काम करता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज के लिए। टर्मिनेशन के लिए रिलीज फैक्टर 1, 2, 3, रिलीज फैक्टर 1 रिकॉग्नाइज करता है UAA, UAG दैट इज स्टॉप कोडॉन, 2 जो करता है UGA के लिए करता है, 3 जो करता है इन सबको रिलीज आपके रिलीज करवाता है RF फैक्टर और RF फैक्टर 2, RF1 और RF2 फैक्टर्स के लिए। एग्जैक्टली सिमिलर हो जाता है यूकैरियोट में ERF1, ERF2 एंड ERF3 जो होते हैं आपके सिमिलरली प्रोकैरियोट्स जैसे होते हैं जो कि काम करते हैं। एंटीबायोटिक्स के केसेस में दीज आर द डिफरेंट एंटीबायोटिक्स, ये बहुत सिंपल सा कोड है, दैट ये है आपका VBP, VBP के केस के ऊपर बात करते हैं, दे इनहिबिट द ट्रांसपेप्टिडेशन या सेल वॉल सिंथेसिस, उसके बाद है CNN जो है ये टोपो आइसोमेरेज करेंगे, इसके बाद है रब BBC पे, ठीक है CNN जो थे अगर हम बात करते हैं विष्णु भगवान प्रकट हुए CNN पे, अगर विष्णु भगवान CNN पे प्रकट हुए, ये क्या है विष्णु भगवान प्रकट हुए CNN
पे, इसको बोलने के लिए दिस इज लाइक विष्णु भगवान, विष्णु भगवान प्रकट हुए किस पे, CNN नेटवर्क पे। तो रब जो है, अब ये भी मानेंगे नहीं तो ये कहाँ आएंगे, रब BBC पे आते हैं, दैट रिफाम्पिन जो है वो बीटा सबनेट को करेगा, एंटीमाइसिंस जो होंगे आपके ब्रेक करेंगे, जेट ब्लियोमाइसिंस कट द DNA। इसके बाद ये है जनरल नॉलेज की तपस्या, GNK, जनरल नॉलेज की तपस्या, के से क्या कहें तपस्या, TPS, दैट टेट्रामाइसिन प्यूरोमाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। तपस्या कहाँ करना था, KFC में करना था, ठीक है, KFC में करिए। तो चलिए अगर आप ये करते हैं तो बहुत सीधी सी बात है कि दिस इज लाइक GNK, जेंटामाइसिन न्योमाइसिन कैनामाइसिन 16 sRNA को इनहिबिट करेगा, टेट्रासाइक्लिन ए साइट को करेगा, प्यूरोमाइसिन tRNA की मिमिक्री करेगा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है 30 करेंगे, ये आपके केसेस जो यहाँ पे इन्वॉल्व हो जा रहे थे, ध्यान देना कि ये थोड़ा सा स्लाइट ऊपर नीचे अरेंज हो गया, तो कई लोग जो हो जाएंगे कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये जो है अरेंजमेंट एक एक पॉइंट वाइज बताया गया है, ठीक है। दिस इज समथिंग, इसका जो है ये है टेट्रासाइक्लिन, ये है प्यूरोमाइसिन आपके, ये हैं, ठीक है, ये है स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसके बाद किरोमाइसिन जो है ये इनहिबिट करेगा, फ्यूजिटिक एसिड जी को करेगा, क्लोरामफेनिकोल पेप्टाइडल ट्रांसफरेज को करेंगे, दीज आर द एंटीबायोटिक्स। इसके अलावा लैकोपेरोन में क्या होते हैं कि कोई भी लैक्टोज को परमिएज अंदर लेके आता है, बीटा लैक्टोसाइडेज इसको एक्चुअल इंड्यूसर एलो लैक्टोज में कन्वर्ट करेगा जो कि यूटिलाइज होता है। लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो रिप्रेसर एक्टिव, एक्टिव होगा तो माइंड टू द ऑपरेटर, ऑपरेन ऑफ हो जाएगा। लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो एलो लैक्टोज में कन्वर्ट होगा, कौन कन्वर्ट करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज यहाँ पे कन्वर्ट करेगा। अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज कन्वर्ट किया तो बाइंड विद द रिप्रेसर, रिप्रेसर बाइंड करेगा, रिप्रेसर इनएक्टिव, इनएक्टिव हो जाएगा तो नो बाइंडिंग विद द ऑपरेटर, ऑपरेटर ऑन हो जाएगा। ग्लूकोज एब्सेंट है, ये दोनों के दोनों नेगेटिव रेगुलेशन है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव रेगुलेशन, ठीक है, ये है नेगेटिव, दिस इज द पॉजिटिव रेगुलेशन विद द ग्लूकोज। पॉजिटिव रेगुलेशन कैसे होगा, ग्लूकोज एब्सेंट है तो CMP हाई, CMP हाई तो CAP एक्टिव, CAP एक्टिव तो बाइंड टू द प्रमोटर, प्रमोटर है तो ऑन हो जाएगा। अगर ग्लूकोज एब्सेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है तो CMP लो हो जाएगा, ग्लूकोज हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है CMP के, प्लीज कीप रिमेंबरिंग दिस, ग्लूकोज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू CMP, तो ग्लूकोज ज्यादा होगा CMP लो होगा, CP इनएक्टिव होगा। कैप प्रोटीन, कैटाबोलिक एक्टिवेटेड प्रोटीन, नो बाइंडिंग एंड जो ऑपरेन है वो ऑफ हो जाएगा। ट्रिप्टोफैन के ऊपर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव रेगुलेशन करते हैं, 5 जीन्स होते हैं ABCDE, 5 पॉलीपेप्टाइड, 3 एंजाइम बना के कोरिस्मेट को ये कन्वर्ट करते हैं ट्रिप्टोफैन में, दे कन्वर्ट द कोरिस्मेट टू द ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। नेगेटिव रेगुलेशन दो पार्ट में होते हैं, एक रिप्रेसर एक एटिन्यूएशन। रिप्रेसर जैसे आपके ट्रिप्टोफैन और ऑपरेटर का रोल इन्वॉल्व होता है, और एटिन्यूएशन में लीडर सिक्वेंसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब भी आप देखते हैं कि रेगुलेशंस जो इंटरसेलुलर लेवल ट्रिप्टोफैन का है, यहाँ पे क्या है, हाई नंबर पे आ जा रहा है, हाई नंबर में दिस इज राइबोसोम स्टॉल्स एट द ट्रिप्टोफैन कोडॉन, यहाँ पे आपके क्या हो जा रहे हैं कि दिस इज लाइक हाई नंबर, अगर ट्रिप्टोफैन ज़्यादा है इन द सेट्रल, तो अगर सेलुलर लेवल में ज़्यादा है, हाई लेवल है, तो राइबोसोम्स जो होते हैं ट्रिप्टोफैन कोडॉन पे रुकता नहीं, क्योंकि उसको ट्रिप्टोफैन मिल जाता है इनकॉर्पोरेट करने के लिए, तो वो स्कैन करते हुए रीजन 2 को कवर कर जाएगा। रीजन 2 को कवर इस तरीके से क्या होता है कि इसमें 4 रीजन पे आ जाते हैं, 1, 2, 3, 4, इसको कवर यहाँ तक आ जाएगा राइबोसोम, तो 3 और 4 की पेयरिंग हो जाएगी, तो नो बाइंडिंग विद द ट्रिप्टोफैन ऑफ हो जाएगा, ठीक है, 3 पेयरिंग कवरिंग होगी। यहाँ पे अगर एपो रिप्रेसर के ऊपर बात करते हैं तो रिप्रेसर जो है ट्रिप्टोफैन से बाइंड नहीं करेगा, ट्रिप्टोफैन ऑफ हो जाएगा, ऑपरॉन ऑफ रहेगा जब हाई लेवल है ट्रिप्टोफैन का। अगर लो लेवल है तो राइबोसोम स्कैन करते करते यहाँ पे जब पहले वाले के पास ट्रिप्टोफैन के 2 कोडॉन्स होते हैं, यहीं पे राइबोसोम रुक जाएगा, रुकेगा, वेट करेगा कि ट्रिप्टोफैन इसको साइटोसोल से मिले, लेकिन मिल नहीं पाएगा क्योंकि लो लेवल था। तो ये अभी 1 को कवर अप किया है, यानी 2 और 3 की पेयरिंग हो जाएगी, 2 और 3 की पेयरिंग हो जाएगी तो यहाँ पे आपका ऑन हो जाएगा। और अगर रिप्रेसर मैकेनिज्म के ऊपर बात करते हैं तो बाइंड्स विद द ट्रिप्टोफैन को रिप्रेसर से बाइंड करे, नॉर्मली ये होते हैं कि हाई लेवल है तो हाई लेवल पे बाइंडिंग होगी, इस लाइक यहाँ पे बाइंडिंग ऑफ हियर एंड नो बाइंडिंग विद हियर, कोई बाइंडिंग नहीं हो पाएगी तो ये जो है वो ऑन हो जाएगा। सो दीज आर द केसेस जो आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं। दिस इज यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन के ऊपर जब हम बात करते हैं तो एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन पे लेवल पे हो जाएगा तो क्रोमोजोम लेवल पे होगा तो हिस्टोन मॉडिफिकेशन या तो न्यूक्लियोसोम मॉडिफिकेशन, या DNA लेवल पे तो CpG मेथाइलेशन। हिस्टोन मॉडिफिकेशन में एसिटाइलेशन कर सकते हैं, लाइसिन पे होगा ट्रांसक्रिप्शन ऑन। ट्राइमेथाइलेशन लाइसिन ऑर्जिनिन पे H3K4 पे हुआ तो ऑन हुआ, और H3K9 और H3K27 पे हुआ तो ऑफ हो गया। H3 मतलब हिस्टोन का 3 और K का मतलब लाइसिन, फोर्थ नंबर का लाइसिन।
ठीक है। फॉस्फोराइसन अगर होगा सेरीन थ्रियोनिन पे तो ऑन हो जाएगा, यूबीक्विटिनाइलेशन हो जाएगा तो ऑफ हो जाएगा। न्यूक्लियोसोम मॉडलिंग में आपके सीआरसी जो होते हैं बाइंड करते हैं, एटीपी डिपेंडेंट हो जाता है, H2A H2K के वेरिएंट जो होते हैं उसको रिमूव करते हैं। दिस इज द क्रोमोजोम रीमॉडलिंग। क्रोमोजोम रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स आएगा, हिस्टोन को खोलेगा, न्यूक्लियोसोम की डीअसेंबली करेगा, H2A H2B जो कि कोर हिस्टोन के पार्ट होते हैं उनके वेरिएंट को चेंज करेगा और फिर सही कर देगा। डीएनए लेवल पे सीपीजी मेथाइलेशन से साइटोसिन के फिफ्थ पोजीशन पे ट्रांसक्रिप्शन को ऑफ कर दिया जाता है। अगर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन फेरिटिन मीडिएटेड है तो लो लेवल ऑफ आयरन पे आईआरई बाइंड विद द आईआरपी, लो लेवल आयरन होगा तो आईआरई आईआरपी से बाइंड करेगा, नो फेरिटिन सिंथेसिस एंड ट्रांसफेरिन सिंथेसिस होगी। एंड इसके अलावा जो है हाई लेवल पे नो बाइंडिंग टू द आईआरपी विद द आयरन, क्यों? क्योंकि आईआरपी जो हो जाता है आईआरपी यहां पे आयरन से बाइंड कर लेगा, तो जब आयरन से बाइंड करेगा तो आईआरपी आईआरई से बाइंड नहीं कर पाया एलिमेंट से और सिंथेसिस ऑफ फेरिटिन होगा, ट्रांसफेरिन की सिंथेसिस नहीं होगी। आरएनए इंटरफेरेंस में ऐसे एसआईआरएनए डिग्रेडेशन करता है, एमआईआरएनए अरेस्ट करते हैं और पीआईआरएनए जो होते हैं वो आपके ट्रांसलेशन अरेस्ट करते हैं। सो दीज आर द केसेस जो आपके पास आ रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।